Hey guys, my name is Binush Nam और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हमजा। अब तो आप लोग पहचान ही गए होंगे जी, मोहम्मद हमजा, हमजा अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी हमजा, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं तकरार। ओके, प्ले देखने वाले हैं हम लोग तकरार। राम राम भाई साहब, न्यू वीडियो है ना ये? न्यू वीडियो आना जरा एक बार। आज इनमें लठ अमित भडाना, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आज तो कसम से इन लोगों की खाल खींच के भूसा भर देंगे। हमारे मोहल्ले का नाम ना सुन रखा तूने? जितने लौंडे तू साथ लाया ना, आज ये तेरा ही जनाजा उठाएंगे, लाशें बिछा देंगे लाशें। अरे थम जा, तेरे अंदर इतने छेद करूंगा ना कि कंफ्यूज हो जाएगा कि तू भाई का डालो कैसे बोल रहा है। भाई हमारी टीम में है। ए! और जो अभी तूने सनी पाजी का डायलॉग बोला है वो हमारी टीम में है। बिना हत्ती के हेड पंप, अबे झेल जाएंगे, तुम जैसे 36 को फेल जाएंगे। तेरी तो आज अल्लाह ने तुझे थोड़ी मोहलत और दे दी, यहीं पे खड़ा मिलूंगा, जा तेरा इंतजार रहेगा। भाईजान जल्दी पेलो इन्हें, मेरा मैच है गिल्ली डंडा का 4:30 बजे। भाई जल्दी पेलो ना, मेरे घर रिश्ते वाले आ रखे हैं, इस भरी ठंड में मेरा भी खाता खुलने वाला। चलो तो इनका खाता खोल देते हैं आज। एक मिनट, जो भी है बोल दे। आज तो भाई 7-8 हड्डियां तोड़ने के बाद ही बात करेंगे। ये बताता हूँ भाईजान, भाभी जान का कॉल आ गया है, कहीं तुम्हारी ना तोड़ दे हड्डी। अजी हाँ, ऐसे किसी के दबाव में नहीं आते हम लोग, इसे तो मैं बताता हूँ। क्या बताओगे तुम? थोड़ी जुबान चलने लगी कैची की तरह, लगता है काटनी पड़ेगी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा था। बड़ी हंसी आ रही है। मैं तो ये कह रहा था बेगम कि मैं बताता हूँ आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं। मोहब्बत बर्तन क्यों नहीं धोके गए? ये तोड़ेंगे हड्डियाँ सुबह शाम, जब मैं लुगाई का नाम जो रुके गुलाम। अपनी इस महफिल से बाहर निकल के बात करो। बस ये अर्ज कर रहा था कि आप ओ अर्ज, शौहर होने का भी निभाने का भी फर्ज। वैसे थोड़ी देर पहले भाभी की मिस कॉल पड़ी थी आपके फोन पर। अच्छा, तेरे बड़े भाई की बड़ी पत्नी मुझे क्यों कॉल करती है? अरे बड़े भाई की बड़ी पत्नी नहीं, आपकी पत्नी की मिस कॉल। अच्छा, इतनी मजा इसकी, यानी चलती मनमानी, हम नहीं डरते किसी से। अभी धमकाता हूं इसे। हेलो सुन बे, पूरी बात सुनी आपने? सुन बेबी। अच्छा? क्या होता है? सुन सुना आग का कंडाला। ऐसी क्या कंडाल है? हाँ मुझे झाड़ पड़ रही है, तुम्हें अपनी अपनी पड़ रही है। मुझे झाड़ोगे? नहीं आपको नहीं झाड़ रहा था, बर्तन? मैंने बर्तन दो तो दिए थे, कपड़े भी मांगे। सब भाई हमारे किसी से डरते ना हैं, और भाभी के सामने इनकी रहट निकल जा रहा है।
भाई जान को दिन में दो चीज जरूर चाहिए, एक तो 1 किलो बिरयानी और 2 किलो भाभी जान की गाली। मैंने तुम्हें काली सलवार धोने के लिए बोला था और तुम पीली सलवार। मेरी मौसी की बेटी आई हुई है, ना घर में राशन है ना सफाई हुई है, बिना मटन छिले तुम चले गए। सुबह से तुम अपने सादा दोस्तों के साथ हो, तुम भी वैसे धोबी है। इससे अच्छा बुआ जी ने लड़का जो दिखाया था ना, याद है, उसे से शादी कर लेती मैं। कम से कम तुम जैसा गुड़गोबर तो नसीब में नहीं होता। अच्छा लेकिन चुप, बिल्कुल चुप, खामोश। सुनो तो भाईजान, तुम कब करा रहे हो निकाह? भाईजान ऐसी हालत देख के तो मैं कभी ना करवाऊं। भाई शादी के बाद तुम्हारा भी यही हाल होगा। बस पूरे दिन पबजी खेलते रहते हो, पूरे दिन बस पबजी खिला लो तुमसे। अरे अब क्या खेलता हूँ पबजी। भाई का तो रोज का लंबी क्लास लगाई भाभी आज इनकी। हम लोग क्यों टाइम फोड़ रहे हैं, चलते हैं प्यार मोहब्बत में बात खत्म करके। अच्छा भाई साहब सलाम वालेकुम। हमारे बॉस तो कतई नकली निकले। ठीक कह रहे भाई जान, हमारे बॉस भी बिल्कुल ही नकली निकले। जय श्री राम। राम है ना, तो आज घर में कदम रख के दिखा दो। अरे मेरी सुनो, आओ ना एक बार कर बेलन लेके खड़ी हूं। बेगम बेगम पत्नी, जिंदगी अजाब कर दी है मेरी जब से शादी हुई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सीधी खड़े लोग आई। भाईजान बहुत जिंदगी बेकार है मेरी, शादी करके बच गया। आओ आपको चाय पिलाता हूँ। भाईजान इतना दर्द है ना कि दर्द भी कह देता है। बेदर्द, ये तो तेरा पति है, कम से कम इससे तो बर्तन मत धुलवा। मेरी वाली तो गर्म पानी भी ना देती बर्तन धोने की। ऐसा लगता है ठंडे पानी में बर्तन धो धोती एक दिन मैं ही ठंडा हो जाऊंगा। ऐसी बातें नहीं करते, भगवान अल्लाह पर भरोसा रखो, सब अच्छा होता है। वैसे एक बात है, लाख कमियां हो, बिरयानी बहुत लजीज बनाती है, कभी घर पे आना। बिल्कुल आएंगे भाईजान, आप भी आना कभी घर। आप भी कहोगे क्या खीर बनाइए, इतनी स्वादिष्ट खीर बनाती है तुम्हारी भाभी, कतई जहर। क्या बात, दोनों की एक जैसी तकलीफ है, एक जैसी खुशी है, दोनों इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसी में चले जाएंगे। तो लड़ाई किस बात की है भाई। बड़ा हंसते हंसाते और बड़ा एक हंसी मजाक में बड़ा सा मैसेज, यार ग्रेट मैसेज है, कन्वे किया, बड़ा अच्छा लगा। पहले तो बड़ा हंस रहे थे जैसे ही आई बीवी वाली बात, इनके भी बहुत दांत निकले थे उस बात पे, इनके भी बहुत दांत निकल रहे थे, तो मतलब लग नहीं रहा था कि एंड इसका इस तरह से होना है। नहीं, इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब अजान हुई तो सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, सामने जिनको कहते हैं कि जी नहीं बिल्कुल अलग कंट्री और इस तरीके की लड़ाई, इस तरह का झगड़ा, तो वो भी रुक गए, वो भी रुक गए। उनका तो मजहब नहीं था ना, चाहते मारपीट करते, उन्होंने भी इंतजार किया, अजान की आवाज सुनी और वो लोग भी रुक गए, है ना। ये चीज मुझे बड़ी मतलब अट्रैक्ट की, दिल को लगी मेरे के यार, ग्रेट मैसेज है, मैं खुद इंप्रेस हुआ कि चलें, मतलब हम अगर मुस्लिम हैं हम एहतराम कर रहे हैं कि जी अजान के टाइम सब काम रोक देने चाहिए, लेकिन सबसे अच्छा ये लगा उनका, फिर भी इतना नहीं लगा, क्यों, क्योंकि हमारा मजहब है कि रुक जाना चाहिए, रोक देना चाहिए, नमाज के लिए गए। जो सामने वाले रुके ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार मतलब एक बिल्कुल अलग कंट्री से एकदम वो रुके, तो उस वक्त जहन में ये नहीं आया कि यार अलग कंट्रीज हो गया, यार कितना अच्छा सा लगा कि वो लोग रुक गए। यार ये हमारे लिए भी एक सबक है कि मतलब लड़ना नहीं चाहिए, आपस में मिल नहीं, सबसे बड़ी बड़ी बात ये है कि आप
सामने वाले के मजहब, सामने वाले का एहतराम करोगे ना तो वो आपको और आपके मजहब का एहतराम करेगा। अब अगर आप चाह रहे हो कि जी नहीं आप जो है ना सामने वाले के मजहब को और उसको गालियां दो और सामने वाले यार हमारे मजहब को कर दिया, नहीं। आप कहते हैं ना कि आप इज्जत दोगे आपको इज्जत मिलेगी, तो बिल्कुल एक मुझे मतलब बड़ा एक बड़ा हंसते हैं साथ एक जो ये सबसे स्टार्टिंग हुई ना बड़ी अट्रैक्टिव मुझे बड़ी दिल पर लगी है ना कि हम तो चले भी रुक जाते हैं अजान की आवाज आ गई लेकिन जो सामने है उसका देखा बड़ा अट्रैक्ट किया। अच्छा मैसेज था बहुत और मजा आया वीडियो देखने में। लेकिन उसके बाद कॉल आ गई उसके बाद जब कॉल आई भाभी की और कह दे जो भी है कह दे वो भाभी जी की कॉल, अच्छा ये कॉल जी 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 यार ये था वैसे सीन था नहीं यार ये तो होता है मतलब बंदा जितना ही फंटर हो लेकिन घर जाके वो बेचारा भीगी बिल्ली टाइप बन जाता है। तो आपको वाला लतीफा नहीं याद एक दफा का? कौन सा? मतलब मैं काफी पहले से लतीफा सुनती आ रही हूँ जो जज साहब के आगे पेश होता है कि जी इन्होंने अपनी वाइफ का पता नहीं क्या मुंह बंद कराया क्या करवाया तो वो सजा देने वाले होते हैं जज साहब मेरी तो सुने जज साहब मेरी सुने वो कहते नहीं जी बस सिर्फ तरीका बताओ आप तरीका क्या था कैसे चुप करवाया ऐसे होता है कि शोहर डरते हैं वाइफ से यार डरते भी और कहाँ मिलते हैं ऐसे शोहर पता तो चले हमें कौन सी मार्केट में मिल रहे हैं कहाँ मिलते हैं ऐसे शोहर आपके आप अपने ख्यालात का इजहार कर रही है छोड़ दो नहीं मतलब ऐसे मुझे लगता है कि ये तो एक चले हंसी मजाक की बात है डरने डराने वाली वैसे मुझे लगता है कि खैर आजकल के दौर में तो खैर कोई अल्लाह माफ करे अपने माँ बाप से नहीं डरता सिर्फ एक इज्जत मोहब्बत और प्यार होता है ना तो ये एक लिहाज होता है जो शोहर अपनी बीवी का कर रहा होता है और जो है ना घर वालों का कर रहे होते हैं खैर डरता तो कोई भी किसी से नहीं है ना बिल्कुल बस एक इज्जत मोहब्बत प्यार होती है जहाँ तक ये बात है कि जी शोहर वाइफ से डर रहे हैं तो मुझे तो पता नहीं ऐसे शोहर कहाँ मिलते हैं जो वाइफ से डरे हाँ लेकिन सुना बहुत है ऐसा। इंडिया में एक वेबसाइट है शायद shaadi.pk या shaadi.com वहाँ से शायद सर्च करो आप क्या ये ना ये पब्लिसिटी ही करने बैठे मैं बता रही हूँ और ये शादी करवा कर ही छोड़ेंगे रिश्ता भी लगवा देंगे मुझे ऐसे क्या गारंटी है कि वो ऐसे ही निकलेंगे शरीफ बात मानने वाले डरने वाले यार अच्छे ही होते हैं शोहर। आपने कितनी बार किए वहाँ से कितने शोहर मिले हैं? यार मैंने सुने हैं तब लोग कम वो करते हैं ना वीडियोस बनाते हैं और फिल्म में भी था एक shaadi.pk और होता है ना अच्छा चलें सर्च करूंगी लेकिन नहीं एक हस्बैंड और वाइफ का ये बड़ा अच्छा सा एक रिलेशन होता है कि जो है ना वो वाइफ कुछ बोल रही है तो शोहर जरा मतलब सुन रहा है मतलब शोहर को वरना क्या डर यार लेकिन क्योंकि एक इज्जत है प्यार है कि साथ जिंदगी गुजारनी है ये पता है ऐसे थोड़ी कहते हैं कि मियाँ बीवी गाड़ी के पहिए होते हैं कि यार अगर एक भी पंक्चर हो नहीं हो साथ तो नहीं चल सकती गाड़ी ना तो दोनों को जो है ना समझना पड़ता है अंडरस्टैंड करना पड़ता है अगर एक जगह पे एक हाइपर है तो दूसरा नॉर्मल हो जाए दूसरा हाइपर है तो फिर आप अपनी भी डिमांड बता दें कि आपको कैसी लड़की चाहिए। अभी तो फिलहाल आप कैसे वाले लड़के हैं ये बता दें। अच्छा यार अभी तो शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है स्टडी चल रही है फिर इंशाल्लाह घर वाले जिससे बोलेंगे उससे करेंगे कभी तो सोचेंगे। आप कैसे वाले लड़के ये बताएं ना मतलब ऐसे ही कि हाँ जी 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 बेगम जी बेगम जी बेगम या फिर नहीं भाई क्या हो गया क्या बोल रही हो कैसे वाले यार मतलब शरीफ इंसान को होना चाहिए यार ये तो डिपेंड करता है वाइफ पे शुक्र है ये नहीं बोला ये तो डिपेंड करता है वाइफ पे वो जी जी करवाती है। अच्छा एक बड़ी एक अच्छी सी बात भी है ना क्या? मतलब जो मेरे दिल पर बड़ी लगती है ये हस्बैंड और वाइफ को लेकर ही कि जो है ना बेवकूफ होती है वो बीवी जो अपने शोहर को गुलाम बनाती है और खुद गुलाम की बीवी बनती है अकलमंद है वो बीवी जो अपने शोहर को बादशाह बनाए और बादशाह की बीवी बने है ना बड़ी जबरदस्त बात है कि बड़ा महफिल लूट ली हाँ महफिल लूट ली ना। अब जो है ना लेडीज याद रखें शोहरों को बादशाह बनाए खुद बादशाह की बीवी बने ना कि गुलामों की बीवी बने नहीं बिल्कुल। चलें ऐसा करते हैं हम लोग अब इजाजत चाहेंगे आपसे अब बहुत सारी बातें हो गई हैं अब मुझे लग रहा है कि हम लोग वापस अपनी पहले वाली रूटीन में आ गए देखिए मेरा गला भी बैठने लग गया चलें जी वीडियोस के बारे में भी काफी सारी बातें हो गई हैं बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो जो है हम प्ले कर रहे हैं आप लोगों की भी फरमाइशें आ रही हैं बड़ी खुशी हो रही है बहुत खुशी कि यार कि मेरे मुझे सब्सक्राइबर वापस मिल गए बड़ा अच्छा लग रहा है अब जैसे जैसे न्यू सब्सक्राइबर हमारे होते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो हमें मजीद खुशी होती जाएगी कि हाँ यार और सबसे ज्यादा मजा मुझे पता है कब आता है वीडियो बनाने के बाद मैं जिस चीज का इंतजार करती हूँ कमेंट्स का अच्छा मैं जैसे जैसे कमेंट्स पढ़ती हूँ ना और जब उनके कमेंट्स मतलब वो लोग बोल रहे होते हैं कि नहीं जी ये चीज ऐसे थी वैसी थी तो फिर मैं वापस ऊपर जाती हूँ फिर वो वीडियो वापस आगे करके प्ले करती हूँ कि यार इन्होंने ये चीज बोली थी मुझे नोट करनी चाहिए है ना तो फिर वो करके हम लोग जो भी होते हैं आगे मजीद अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। चलें जी इजाजत चाहेंगे बहुत जल्दी वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी लेकिन 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम दोनों इजाजत चाहेंगे बहुत जल्दी वीडियो के साथ फिर से यहीं पर मुलाकात होगी जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।